जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी उपमंडल से जम्मू कश्मीर के 257 लोग घरों को रवाना हुए। उपमंडल ज्वालामुखी के विभिन्न स्थानों पर बीते 1.5 माह से फंसे हुए कश्मीरी श्रमिक परिवार अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। प्रशासन ने इन सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच करवाने के बाद आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वीरवार सुबह इन्हें जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र लखनपुरा के लिए बसों में रवाना किया। बीते 2 दिनों से ज्वालामुखी प्रशासन इन सभी श्रमिकों के बारे में जानकारी जुटा रहा था, साथ ही इन सभी की सूची को तैयार करके इनके स्वास्थ्य की जांच करवाते हुए इन्हें वीरवार को उपमंडल मुख्यालय में पहुंचते हुए यहाँ के साथ एक निजी बस में रवाना किया। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल में 250 कश्मीरी श्रमिक विभिन्न स्थानों पर ठेकेदारों के पास और फेरी लगाने का काम करते थे। इन सभी लोगों को प्रशासन ने निजी बसों से वीरवार को उनके राज्य जम्मू कश्मीर में भिजवा दिया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक प्रशासन ने इन सभी को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त की है और उसके बाद ही इन सभी को अधिकारियों की देखरेख में जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि इनकी बसों के साथ प्रशासन की तरफ से कानगो पटवारी के अलावा 10 लोग व 5 पुलिसकर्मियों को इन्हें छोड़ने के लिए भेजा गया है। साथ ही सभी कश्मीरियों को उनके बॉर्डर लखनपुर तक सही सलामत छोड़कर सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मी शाम को वापस लौट आएंगे। आज हम यहाँ से 257 लोगों को यहाँ से भेज रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं। उनके हमने पासेस बना दिए हैं और हर तरह की परमिशन उनके पास है। इसके साथ में उनके साथ अपने प्रशासन की तरफ से हमारे पटवारी कानून लगभग 10 लोग अलग अलग बसों में व्हीकल्स में और साथ में पुलिस के 4-5 लोग जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज वो वहाँ पे उनको जो बैरियर है सांबा या लखनपुर वहाँ पे ड्रॉप करके शाम तक वापस आ जाएंगे और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं इस मौके पर कश्मीरी लोगों ने प्रदेश सरकार व ज्वालामुखी प्रशासन का धन्यवाद किया और कहा कि प्रशासन ने उन्हें घर वापसी का इंतजाम किया है और वे सलामती से घर जा रहे हैं। बोलो यहाँ से एसडीएम साहब और इनका पूरा स्टाफ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ज्वाला जी से हमें अपना कश्मीर घर भेज दिया। हमें यहाँ सब कुछ फैसिलिटी मिली लेकिन घर घर की थोड़ा परेशानी हुई क्योंकि घर वालों ने हमें फ़ोन पे फ़ोन किया कि आने को क्योंकि बीमारी का डर लग गया। इस बात से हमने एसडीएम साहब से गुजारिश किया और एसडीएम साहब ने हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की और भेज दिया और हिमाचल से घर का धन्यवाद हिमाचल से घर भेज दिया कश्मीर। जी सर हम यहाँ पर दिसंबर 2019 पे आए थे और यहाँ ज्वाला जी में बस अड्डे में काम कर रहे थे और हम हिमाचल सरकार का शुक्रिया अदा करते कि यहाँ हमें अपनी रिक्शा पर रखकर 2-1.5 महीने के बाद आज हमें घर में वापस लौटने की साजिश पे यहाँ हमें बस अड्डे में लाकर खड़ा कर दी है और हमें हिमाचल के लोगों का भी हमें शुक्रिया अदा कर सकते क्योंकि हिमाचल के लोगों ने भी हमें अच्छा ताउन देकर अपने सर रख कर हमें से सलामत अपने घर भेजने की साजिश में रवाना कर रहे हैं।